दोस्तों, जब कबूतर बहुत ज़्यादा उड़ता है, 2-3 घंटे के ऊपर उड़ान देता है, तो उसकी हालत कैसी होती है आप ये देख ले। ये वाली कबूतरी को देख ले जो ये दाने पे चोंच मार रही है, इसके बाजू नीचे लटके हुए दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। ये वाले, ये जो पानी पी रही है, सुबह से अभी 3 घंटे उड़ के आई है, और उसके बाजू देखिए आप, उस पर फोकस करके दिखाऊँ आपको, तो ये देखिए उसके बाजू लटके हुए हैं, ठीक है। ये वाली कबूतरी के, ये वाली दिख रहे हैं ना भाई, तो सुबह से उसको उड़ाया था 5:30 बजे, और अभी आप देखेंगे तो वो मुंह खोल के सांस ले रही है, ठीक है, और उसके बाजू भी लटके हुए। उसके साथ में उड़ने वाला पट्टा भाई, ये देखिए अभी उसके बाजू ऊपर नहीं गए हैं और उसकी सांस अभी बंद नहीं हुई है, ठीक है। और ये ऐसा क्यों है, क्योंकि वो ब्रीडिंग भी कर रही है और उड़ी भी है, और उसके साथ जो पट्टा उड़ा था वो डब्बे के ऊपर बैठा है भाई, पानी के डब्बे के ऊपर, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो जैसे के तैसे बैठा है, क्योंकि वो अभी पट्टा है। बाकी उसकी हालत देखेंगे आप, ये देखिए पर लटका के और चोंच खोल के अभी भी सांस ले रहे हैं, अभी उसके पर बराबर सही हालत में, सही सिचुएशन में गए नहीं है। ये देखिए सिर्फ़ और सिर्फ 3 घंटे में, 3 घंटे में आपने देखा कबूतर की हालत कैसी हो गई, और बिल्कुल सुबह से उड़ाया था भाई इसको, ठीक है भाई। ये देखिए मैं आज इन सुबह से आ गया था, और अभी उसकी हालत नॉर्मल नहीं हुई है, तो इसीलिए मैं भाई कबूतरों को उड़ाता नहीं, मेरे पास टाइम मिलता नहीं, और अगर कबूतरों को उड़ा दिया और फिर उनकी साल संभाल नहीं करो, तो या तो उनके कुंदों में पानी भरा जाएगा या बाजू लटक जाएंगे, और ये ऐसी प्रॉब्लम होती है। देखिए अभी उसके बाजू, अभी उसके जो पर हैं वो नॉर्मल कबूतर के मुकाबले उसके सीने से दूर रहेंगे, ठीक है, ये अभी आपको दिख रहे होंगे, बिल्कुल सीने से दूर रहेंगे, और ये डब्बे पे बैठा है, ये नॉर्मल है, इसको कोई दिक्कत नहीं, इसके पर उसकी दुम के ऊपर है। बाकी ये जो कबूतरी है अभी सीने से इसके पर दूर ही है, देखिए है ना दूर, ये अपनी बिल्कुल उंगली के सामने ये आ रही है, ये अभी भी उसकी चोंच खोलकर सांस लेने की अभी उसकी प्रतिक्रिया चल रही है। ये देखिए बहुत ज़्यादा उड़ने के कारण कबूतर इस हालत में आ जाता है, बाकी ये इतनी ज़्यादा नहीं, मगर इसका कारण ये है कि ये पहली बार उड़ाया है इसको, और इतना लॉन्ग टाइम, ज़्यादा टाइम मैंने उसको उड़ाया नहीं, और अभी भी उसकी दिल की धड़कनें कितनी तेज़ चल रही होगी ये मुझे पता नहीं। इसके साथ साथ कौन उड़ा है भाई, ये एक ये कबूतर, ये जो काले बच्चे के आगे है ना ये, ठीक है, लाल चीना, ये उड़ा था, वो भी नॉर्मल हो गया, और इसके साथ भाई कुछ समय के लिए और उड़े थे, और कौन सा होगा भाई इसके अंदर दो तो ये उड़े थे, और अंदर कहीं होगा, ठीक है भाई। तो ये कबूतरों को ज़्यादा उड़ाओ तो उनकी ऐसी हालत होती है, तो इनकी साल संभाल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। अभी भी आप उसको देखेंगे सबकी भीड़ में, तो वो चोंच खोलकर सांस ले रही है, ये देखिए ये मेरी उंगली के पॉइंट पे सामने चोंच खोलकर सांस ले रही है, उसके बाजू अभी भी बराबर सेट नहीं हुए, अभी भी उसकी सांस ऐसे चल रही है बिल्कुल इंजन की तरह धक 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 धक, दिल धड़क रहा है, ठीक है भाई। तो अपने कबूतरों को एक बार में इतना नहीं उड़ाए, आधा घंटा उड़ाए, फिर 1 घंटा उड़ाए, फिर 1.5 घंटा 2 घंटा, ऐसे आपको टाइमिंग लेनी है, ठीक, नहीं तो ये कबूतरों के आप संभाल नहीं करेंगे। मैं अभी इसको कुछ नहीं दूंगा, ठीक है, ये कल उड़ाऊंगा अगर, तो ये धीरे धीरे हैबिट में आ जाएगी, ठीक भाई।